हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे गिटार में कि स्ट्रमिंग पैटर्न कैसे क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, कुछ दिख रहा है आपको, मैं बताऊंगा कि स्ट्रमिंग पैटर्न कैसे हम बनाते हैं और किस तरह से उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4। आपने सुना होगा बीट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे बीट्स होती हैं। उसके बाद में मैंने लिखा है एंड, चार बार एंड लिखा हुआ है। ये 8 बीट है, पहले ये 1 2 3 4 4 बीट है। 4 बीट को हम कैसे डिवाइड करते हैं 8 बीट में, वो देखेंगे। तो पहले 4 बीट कैसे होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 8 बीट कैसे होगी, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 1 and 2 and 3 and 4 and, इस ढंग से लिखा हुआ है। अब जब हम गिटार के स्ट्रमिंग पैटर्न बजाएंगे तो ये D फॉर डाउन और U फॉर अप, दो ही पैटर्न, दो ही स्ट्रमिंग होती है, डाउन एंड अप। तो ये जो लिखा है डाउन 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 डाउन, पहले बजाएंगे 1 2 3 4, डाउन 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 डाउन। पहले हम समझ लेते हैं इसको, उसके बाद में आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। बहुत ही आसान है, आप खुद अपने पैटर्न बना सकेंगे। आज हम सीखेंगे 4 बीट और 8 बीट पैटर्न, ठीक है, उसको कैसे बनाते हैं वो सीख रहे हैं। डाउन 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 डाउन, नेक्स्ट होगा 8 बीट पैटर्न कैसा होगा, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, मीन्स 1 2 3 4, 1 and 2 and 3 and 4 and। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन करते हुए हम डिफरेंट पैटर्न बनाएंगे। कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है, ये 4 डाउन है, इस 4 डाउन में हम कहीं पर भी अप जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लीजिए, डाउन डाउन अप डाउन डाउन, ये पैटर्न ऐसा होगा। आपको काफ़ी सारे वीडियोस में दिखता होगा डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आता होगा। यहाँ से आपका आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा, डाउन कहाँ डाउन अप कैसा, फुल नोट और हाफ नोट। तो देखिए डाउन डाउन अप डाउन डाउन, नेक्स्ट है डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन, नेक्स्ट कैसा बनेगा कॉम्बिनेशन, डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, उसके बाद डाउन 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 अप, फिर डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन डाउन। तो अभी आपको दोस्तों थोड़ा सा एक आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको गिटार के साथ प्ले करके बताऊंगा, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम सीखते हैं कि हाउ टू क्रिएट, हाउ टू मेक डिफरेंट गिटार स्ट्रमिंग पैटर्न एट योर ओन। तो आइए दोस्तों, हमारे 4 बीट कैसे होती है पहले मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, मीन्स डाउन 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 डाउन। तो कैसे बजाएंगे हम, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यदि हम कोई कॉर्ड पकड़ के बजाएंगे तो कैसे बजेगा वो, 1 2 3। अब यदि हम इसको 8 बीट बजाना होगा तो किस ढंग से करेंगे, 1 2 3 4, 1 and 2 and 3 and 4 and, 1 and 2 and 3 and 4 and। अब इसको गिटार पे कैसे बजाएंगे, हमको बजाना है डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक, एंड में हम बजाएंगे अप स्ट्रोक। अप स्ट्रोक पूरा ऐसा नहीं बजाएंगे, ऐसा नहीं बजाएंगे, उसको ऐसा बजाएंगे। तो देखिए, फिर से 1 2 3 4, 1 and 2 and 3 and 4 and। इस ढंग से ये 8 बीट हो गए। अब हम इस 4 बीट और 8 बीट के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन बनेंगे, पहला मैं आपको बता देता हूँ, पहला हो गया डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अभी पहला कॉम्बिनेशन है डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप, वो कैसे बजेगा, डाउन 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 अप डाउन डाउन अप, इसको बजाएंगे डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप।
तरह से बचेगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन, कैसे बचेगा वो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन। इसको बजा के देखते हैं हम। मैं यहाँ पर आपको सी मेजर ओपन कॉर्ड बजा रहा हूँ। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, कैसे बजेगा डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। ये आप मेट्रोनोम के साथ जब करोगे तो आपको और क्लियर समझेगा। डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, इसको बजाते हैं हम, कैसे बजेगा ये नेक्स्ट बजेगा। नेक्स्ट पैटर्न है, अब हम नेक्स्ट पैटर्न में ये करेंगे कि जो अप नोट है अप नोट उसको लास्ट के डाउन में जोड़ेंगे, तो वो कैसे बजेगा डाउन 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 अप। ये सब हम पैटर्न 4x4 के पैटर्न सीख रहे हैं। अब जो डाउन डाउन के साथ अप है उसे अब थर्ड नोट पर ऐड करेंगे। पहले हमने फोर्थ नोट पर ऐड किया, अब उसे थर्ड नोट पर ऐड करेंगे। जैसे अब जो अप नोट है उसे सेकंड पर ऐड करेंगे, तो सेकंड पे कैसे ऐड करेंगे डाउन डाउन अप होगा वो। दोस्तों इस तरह से हम 4x4 के पैटर्न को 8 बीट में कॉम्बिनेशन करके इस तरह से अपनी स्ट्रमिंग पैटर्न को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगले पैटर्न में आप सीखेंगे 3x4 के पैटर्न सीखेंगे, अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप इससे प्रैक्टिस कीजिए ओपन कॉर्ड्स के साथ में।